हेलो गाइस, तो यहाँ पे है अपनी हिंदुस्तान पावर की गाड़ी जो अभी फ़िलहाल चार्ज हो रही है। अगर आप देखना चाहते हो कितना चार्ज यहाँ पे हो चुका है तो देखिए, थोड़ा नज़दीक हम यहाँ पे लेकर के आते हैं। एंड अगर चार्जिंग की देखें तो लगभग 40% अभी यहाँ पे चार्ज हो चुका है। कितना टाइम इस लगता है पूरा चार्ज होने में वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप सभी गाड़ियों को देख लो, ओला इलेक्ट्रिक भी देख लो, उसके बाद में आपके पास अगर और भी कोई ऑप्शन है तो वो भी देख लीजिए। ये तो है हिंदुस्तान पावर की। अब इसकी जो बैटरी होती है, इसका जो चार्जिंग होता है वो कैसे होता है, तो चार्जर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इजी टू कैरी है, इजी टू मूव है। आप इसे कहीं पे भी लेकर के जा सकते हो, कहीं पे भी आप इसे चार्ज कर सकते हो। प्रोवाइडेड वहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट होना चाहिए। अगर चार्जिंग का सॉकेट है तो ईजिली आप उसे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ब्रांडिंग मिलती है। इससे रिलेटेड मैंने और जो वीडियोस होते हैं ना वो ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डेफिनेटली उस वीडियोस को जा करके आप देखिएगा। आगे से भी काफ़ी बढ़िया सा हमें लुक मिलता है इस गाड़ी का। ओवरऑल आप देख सकते हो कैसे कैसे है ये सब चीज़ें, देखिए ध्यान से, है ना, काफ़ी बढ़िया है। अब जो है इसे पूरी तरीके से चार्ज होने देंगे। पूरी चार्ज होने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना टाइम तक चल पाएगी, कितना इसका बैकअप हमें मिलने वाला है, किस तरीके से ये गाड़ी ओवरऑल हमारे लिए साबित हो सकती है। अब देखिए इसके बारे में और भी अगर आपको डिटेलिंग में जानना है तो यहाँ पे देखिएगा शॉक अप्स कैसे दिए गए हैं, उसके बाद में यहाँ पे मोटर कहाँ पे लगी गई है, उसके बाद में क्या हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक अवेलेबिलिटी है, तो डेफिनेटली येस, आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक डिस्क ब्रेक है। एंड फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली येस गाइस, यू हर्ड इट राइट, यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। तो ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे डिस्क ब्रेक की अवेलेबिलिटी है। वो जो ड्रम ब्रेक्स होता है पुराना स्टाइल, अब वो स्टाइल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ चुका है नए स्टाइल वाले ब्रेक्स इसके अंदर। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अकॉर्डिंग टू द प्राइस, यार मतलब बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप प्राइस क्या पे कर रहे हो, उसमें आपको मिल क्या कह रहा है, वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप कुछ गाड़ी या ऐसे कुछ चीज़ें परचेस करने के बारे में सोचते हो तो। एंड यहाँ पर अगर आपको जितना प्राइस आप पे कर रहे हो उस हिसाब से अगर आपको वो मिलता है, गाड़ी के फीचर्स, गाड़ी के फंक्शंस, तो फिर क्यों ना हम उस गाड़ी को ले एंड उस गाड़ी का एंजॉय करें। तो यही वो चीज़ें हैं, यही वो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप कुछ नया लेने के बारे में सोचते हो तो। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कैसा है, क्या है, पूरी तरीके से बढ़िया है। ओके गाइस, एंड इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। देखो इंजन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये तो मोटर से चल जाती है सीधा, बैटरी ऑपरेटेड है, तो ऐसी बात है गाइस। ओवरऑल आप देखेंगे कितना टाइम में ये चार्ज होता है, पूरा चार्ज होने के बाद मैं आपको बताऊँगा। आपने अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लीजिए। जैसे जैसे गाड़ी चार्ज होगी वैसे 20%, 40%, 60%, 80%, 100% एंड पावर का लाइट ऊपर जो होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर वाला, है ना। तो बस अभी 80 एंड 100 का बचा है, जैसे ही वो चार्ज हो जाएगा गाड़ी आपकी चलने के लिए रेडी है। अभी अगर आपको बाहर जाना है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, 60% ऑलरेडी है, गाड़ी चार्ज हो चुकी है। इस गाड़ी के बारे में आपको और भी अगर कुछ जानना है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो।